ज में आज हम मल्टी डायमेंशनल एरेज डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन में हमने सिंगल डायमेंशनल एरेज डिस्कस किया था इस सीरीज के पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें मल्टी डायमेंशनल एरे में हम डेटा रो एंड कॉलम में स्टोर करते हैं और इसे मेट्रिक्स फॉर्म भी कहा जाता है और इसे टू डायमेंशनल एरेज भी कहते हैं सिंगल डायमेंशन में क्या होता था डेटा सिंगल रो में स्टोर होता था डेटा सिंगल रो में स्टोर होता था फॉर एग्जाम्पल हम एक एरे क्रिएट करते हैं सिंगल डायमेंशन इन एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और रेफरेंस वेरिएबल का नाम ए ले लिया न्यू ऑपरेटर विद डेटा टाइप और साइज दे दिया थ्री थ्री एलिमेंट स्टोर करने के लिए तो अभी इसकी मेमोरी में कैसे कैसे ब्लॉक्स क्रिएट होंगे एक सिंगल रो क्रिएट होगा जिसमें थ्री ब्लॉक्स होंगे तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे होगा फिर दूसरा फर्स्ट पे और तीसरा सेकेंड पे तो ये हो जाएगा हमारा इस इस वाले जीरो को इस वाले ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए हम ए जीरो लेंगे A का नाम है, और इसको एक्सेस करने के लिए हम ए वन यूज करेंगे क्योंकि ये इसका इंडेक्स वन है और इसको एक्सेस करने के लिए हम टू यूज करेंगे ए टू क्योंकि इसका इंडेक्स टू है इसका इंडेक्स वन है इसका इंडेक्स जीरो है तो ये तो सिंगल डायमेंशन था जिसमें डेटा सिर्फ एक सिंगल रो में स्टोर होता था अगर हम मल्टी डायमेंशन लेंगे तो डेटा हम मल्टीपल रोज एंड कॉलम में स्टोर कर सकते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक हम इंटीजर टाइप मल्टी डायमेंशन एरे क्रिएट करते हैं इंट डेटा टाइप क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है और मल्टी डायमेंशन के लिए हम दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और रेफरेंस वेरिएबल का नाम हमने ए ले लिया इक्वल टू न्यू उसके बाद फिर से इंट और यहां पे हम देंगे रो का साइज हमें कितने रोज का एरे क्रिएट करना है तो हमें थ्री क्रिएट करना है थ्री रोज का तो थ्री और यहाँ पे कॉलम कि हमें कितने कॉलम चाहिए तो हमें अगर थ्री कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे थ्री लिख देंगे तो ये थ्री रोज और थ्री कॉलम का थ्री रोज और थ्री कॉलम का एरे क्रिएट हो गया तो अभी मेमोरी में कैसे ब्लॉक्स क्रिएट होंगे इस एरे के लिए मेमोरी में ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होंगे तो उसके लिए मेमोरी में ब्लॉक्स क्रिएट होंगे ऐसे थ्री रोज क्रिएट होंगे और थ्री कॉलम क्रिएट होगा थ्री कॉलम हो गया और थ्री रो हो गया रो की इंडेक्सिंग शुरू होगी जीरो से पहला जो रो है वो जीरो पे दूसरा रो वन पे और तीसरा रो सेकेंड पे वैसे ही कॉलम का भी इंडेक्सिंग होगा पहला कॉलम जीरो कॉलम पे दूसरा कॉलम फर्स्ट कॉलम पे तीसरा कॉलम सेकेंड कॉलम पे अब हमें अगर इस वाले ब्लॉक को एक्सेस करना है इस वाले ब्लॉक को तो हम कैसे एक्सेस करेंगे रेफरेंस वेरिएबल का नाम ए और रो जीरो रो जीरो 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 इस ब्लॉक का एड्रेस हो कैसे होगा इस ब्लॉक को हम कैसे एक्सेस करेंगे ए जीरो रो का क्योंकि जीरो इस रो पे है और फर्स्ट कॉलम क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम पे है इस वाले ब्लॉक को हम कैसे एक्सेस करेंगे इस वाले ब्लॉक को ए जीरो रो और कॉलम टू सेकेंड कॉलम पे है इसलिए अब ये तुम्हारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया सेकेंड रो के इंडेक्स है वन तो इसको एक्सेस करने के लिए ए रो है वन और कॉलम है जीरो क्योंकि ये जीरो कॉलम पे है जीरो कॉलम पे, पे है तो कॉलम जीरो दे दिया हमने इसके लिए इस वाले ब्लॉक के लिए इस वाले ब्लॉक के लिए ए वन रो वन है और कॉलम है वन तो यहां पे वन दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में फिर इससे नेक्स्ट ब्लॉक के लिए ए वन और कॉलम है टू ये टू कॉलम है सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड टू दे दिया हमने कॉलम का इंडेक्स अब हम आते हैं नेक्स्ट रो पे नेक्स्ट रो है हमारा थर्ड रो जिसकी इंडेक्सिंग है जिसका इंडेक्स है टू तो ए रो का इंडेक्स टू और कॉलम का इंडेक्स जीरो क्योंकि ये जीरो कॉलम पे है फिर इससे नेक्स्ट वाला ब्लॉक है ए रो का इंडेक्स टू कॉलम का इंडेक्स वन फिर इससे नेक्स्ट वाला ब्लॉक ए रो का इंडेक्स टू और कॉलम का इंडेक्स टू तो इस तरह से मेमोरी में एलिमेंट्स स्टोर होंगे ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट होंगे अब अग फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें इस ब्लॉक में इस ब्लॉक में हमें कुछ वैल्यू असाइन करना है तो हम इस ब्लॉक को कैसे एक्सेस करेंगे कैसे वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके लिए हम ये इंडेक्स यूज करेंगे तो ए इस ब्लॉक का रो था वन तो वन और कॉलम भी था वन तो वन अब हम इसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर और हमें फोर्टी फाइव असाइन करना है तो हमने फोर्टी फाइव लिख दिया तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स को यूज करके इंडेक्स को यूज करके रो और कॉलम दोनों के इंडेक्स को यूज करके हम एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना हो ये वाला ब्लॉक तो हम कैसे करेंगे इसमें हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी हो तो ए टू टू यूज करेंगे हम तो ए टू क्योंकि सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है इक्वल टू के बाद हमें जो भी इसमें वैल्यू असाइन करनी है वो हम इसमें असाइन कर देंगे सपोज कीजिए हमने इसमें सेवेंटी असाइन कर दिया तो हमने सेवेंटी असाइन कर दिया तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स को यूज करके अब हम ये समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरेज में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे और इंस्टेंशिएट करेंगे उसके बाद हम एरेज में वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे फिर रोज एंड कॉलम की लेंथ फाइंड करेंगे क्योंकि मल्टी डायमेंशन में हमारे पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं तो हम उनकी लेंथ फाइंड करेंगे फिर एरे से वैल्यू को रीड करेंगे फिर एरे एलिमेंट की वैल्यू को हम चेंज करके देखेंगे तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिक्लेयर एंड इंस्टेंशियट एरे आप समझते हैं डिक्लेरेशन एंड इंस्टेंशियेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे जैसे हम सिंगल डायमेंशन एरस को डिक्लेयर करते, करते हैं और इंस्टेंशिएट करते हैं ठीक उसी तरह से हम मल्टी डायमेंशन एरस को भी डिक्लेयर और इंस्टेंशिएट करते हैं सबसे पहले लेते हैं हम डेटा डेटा टाइप टाइप जो भी हमें स्टोर करना है इंटीजर डबल स्ट्रिंग जो भी हमें कैरेक्टर जो भी हमें स्टोर करना है वो डेटा टाइप यहां लेंगे फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल डायमेंशन में हम स्क्वायर ब्रैकेट एक बार यूज करते हैं मल्टी डायमेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट दो बार यूज करते हैं एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए फिर एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम ये है पहला नोटेशन दूसरा नोटेशन अगर हम यूज करेंगे तो पहले डेटा टाइप इंटीजर डबल कैरेक्टर जो भी डेटा टाइप हमें यूज करना है जो भी वैल्यूज हमें स्टोर करनी है फिर उसके बाद एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम ये हम अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट रेफरेंस वेरिएबल के नाम के बाद आएगा तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमें पहला नोटेशन यूज करना है तो हम इंटीजर टाइप का इंटीजर डेटा टाइप के लिए एरे क्रिएट करते हैं फर्स्ट नोटेशन यूज करके तो इसमें हम लिखेंगे इंट डेटा टाइप फिर टू टाइम स्क्वायर ब्रैकेट फिर एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम तो हम ए ले लेते हैं इक्वल टू बस ए के बाद सेमी कॉलन से एंड स्टेटमेंट तो ये हो गया डिक्लेरेशन फिर नेक्स्ट नोटेशन अगर हम यूज करेंगे तो इंट डेटा टाइप फिर एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट रेफरेंस वेरिएबल के नाम के बाद यूज करेंगे और सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड इन दोनों में से कोई सा भी एक नोटेशन हम यूज करके एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं पहला स्टेप था डिक्लेरेशन सेकेंड स्टेप है इंस्टेंशिएशन अब इंस्टेंशिएशन के लिए एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम फिर इक्वल टू साइन के बाद न्यू ऑपरेटर फिर डेटा टाइप जो भी डेटा हमें स्टोर करना है इंटीजर स्टोर करना है तो इंट डबल स्टोर करना है तो डबल फिर लेंगे हम रो एंड साइज रो का साइज एंड कॉलम का साइज रो एंड कॉलम अगर हमें थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स चाहिए हमें थ्री रो और थ्री कॉलम चाहिए तो हम रो में रो साइज में हम थ्री लिखेंगे और कॉलम साइज में हम थ्री लिखेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी हमने ये डिक्लेयर किया था इसको हम इंस्टेंशिएट करते हैं तो एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम ए इक्वल टू न्यू ऑपरेटर फिर डेटा टाइप है इंट और अगर हमें थ्री रो और थ्री कॉलम चाहिए तो थ्री रो एंड थ्री कॉलम एंड सेमी कॉलम से स्टेटमेंट एंड तो इस तरीके से हम इंस्टेंशिएट करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेस को अभी तो हमने दो अलग अलग स्टेप्स में डिक्लेयर किया और इंस्टेंशिएट किया तो हमने दो स्टेटमेंट यूज किए ये स्टेटमेंट वन था डिक्लेरेशन का और ये स्टेटमेंट टू था इंस्टेंशिएशन का पर इन दोनों स्टेप्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं वो कैसे करेंगे उसके लिए हम कंबाइन करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो इन डबल है तो डबल फिर टू टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट फिर एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम फिर इक्वल टू ऑपरेट इक्वल टू ऑपरेटर फिर न्यू कीवर्ड फिर डेटा टाइप इंट है तो इंट डबल है तो डबल फिर रो का साइज और कॉलम का साइज अगर हमें थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स चाहिए हमें थ्री रोज और थ्री कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे थ्री और यहाँ थ्री लिख देंगे और सेमी कॉलम से स्टेटमेंट एंड लास्ट में तो ये तो एक मेथड था जब हमें पहले से साइज पता है कि हमें थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स चाहिए या थ्री बाय टू का मैट्रिक्स चाहिए हमें थ्री कॉलम चाहिए और थ्री रो चाहिए या थ्री कॉलम चाहिए या टू थ्री रोज चाहिए हमें साइज पहले से पता है कि हमें कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए तो हम ये वाला नोटेशन यूज करते हैं मगर अगर हमें साइज नहीं पता है तो हम ये वाला नोटेशन भी यूज कर सकते हैं अगर हमें साइज नहीं पता तो हम ये वाला नोटेशन यूज करते हैं इसमें क्या करते हैं हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं तो इसके लिए स्टेटमेंट होता है डेटा टाइप इंट वैल्यू देनी है तो इंट फिर टू टाइम ब्रैकेट क्योंकि मल्टी डाइमिशन एरे है फिर एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम हम अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हैं फिर इक्वल टू ऑपरेटर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में हमें जितने भी रोज चाहिए ये पहला रो है ये दूसरा रो है ये तीसरा रो है और ये पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है तो रो फर्स्ट रो में अब चूंकि एरे में इंडक्शन जीरो से होती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जीरो एथ रो है ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है एरे की इंडेक्सिंग जीरो से होती है तो जीरो एथ रो और ये जीरो एथ कॉलम ये जो टू वैल्यू है ये जीरो एथ रो और फर्स्ट कॉलम पे स्टोर्ड है ये जीरो एथ कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है ये सेकेंड कॉलम है ये जीरो एथ रो है ये फर्स्ट रो है और ये

स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यूज लिख सकते हैं कॉलम वन में हमने फोर लिख लिया कॉलम कॉलम टू में हमने थ्री लिख लिया कॉलम थ्री में हमने फाइव लिख लिया तो ये फोर तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम यहाँ पे रो इंक्रीज करते रहेंगे यहाँ पे डायनामिकली जो साइज है एरे का वो चेंज होता रहेगा अगर हम यहाँ पे कॉलम इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ऐड कर देंगे थ्री के बाद हम एक और एलिमेंट ऐड कर दें फोर के बाद एक और एलिमेंट ऐड कर दें फाइव के बाद हम एक और एलिमेंट ऐड कर दें तो रो का साइज भी जो uh, का जो साइज है वो भी चेंज हो जाएगा तो इस केस में क्या करते हैं हम डायनेमिकली वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं इसमें हम कोई साइज स्पेसिफाई नहीं करते जैसे हमने पहले वाले नोटेशन में हमने यहाँ पे रो का साइज और कॉलम का साइज दोनों स्पेसिफाई किया था इस नोटेशन में हम रो और कॉलम का साइज इस नोटेशन में हम रो और कॉलम का साइज स्पेसिफाई नहीं करते हम यहाँ पे सीधा वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं जो भी रो और कॉलम की वैल्यू है हम सीधा वो स्पेसिफाई करते हैं तो आइए से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसके लिए हम एक्लिप्स आई ओपन करते हैं इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आई ओपन कर लिया इसमें मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम करते हैं फाइल न्यू फाइल न्यू एंड जावा प्रोजेक्ट यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और क्लिक करेंगे फिनिश पे तो जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा अभी मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह का हमें फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें एस आर सी फोल्डर पर राइट क्लिक करके हम न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन सिक्स क्योंकि आज सेशन सिक्स है और फिनिश जावा कोड करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है तो पैकेज पे राइट क्लिक न्यू क्लास क्लास का नाम दे देते हैं टू दे हमने और एक हम मेन मेथड ऐड कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हमने चेक कर दिया एंड देन फिनिश ये क्लास क्रिएट हो गई टू डी मैरे के नाम से और एक हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया अब हम सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे और इंस्टेंशियट करेंगे तो हम एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करते हैं इंट टू डायमेंशन है तो हम टू ब्रैकेट यूज करेंगे एरे का रेफरेंस वेरिएबल ए ले लेते हैं इक्वल टू न्यू ऑपरेटर डेटा टाइप इंट और यहाँ पे हम देंगे रो और कॉलम का साइज तो पहले हम रो का देंगे हमें थ्री थ्री रोज चाहिए तो हमने थ्री दे दिया और यहाँ देंगे कॉलम कॉलम हम टू लेते हैं तो थ्री रोज एंड टू कॉलम का हमने एक इंटीजर टाइप एरे क्रिएट किया अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं वैल्यूज इंसर्ट करेंगे हम एरे कॉम इंडेक्स को यूज करके एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे एरे का रेफरेंस वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में जिस भी रो और जिस भी कॉलम में हमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो पहले हम रो लेंगे तो सबसे पहला है हमारा जीरोएथ रो और जीरो कॉलम रो और कॉलम दोनों की इंडेक्सिंग शुरू होती है जीरो से तो जीरो एथ रो जीरो रो एंड जीरो एथ कॉलम ये ऐसे होता है ए रेफरेंस वेरिएबल का नाम और रो एंड कॉलम तो हमने यहाँ पे रो में जीरो डाल दिया और कॉलम में भी हमने जीरो ले लिया यहां कुछ वैल्यू दे देते हैं ट्वेल्थ दे दिया हमने ऐसे अब हम जीरो रो एंड फर्स्ट कॉलम में वैल्यू डालेंगे जीरो रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ था रो इज इक्वल टू जीरो एंड कॉलम इज इक्वल टू जीरो यहाँ है रो इज इक्वल टू जीरो एंड कॉलम इज इक्वल टू वन यहाँ में थर्टीन डाल लिया अब नेक्स्ट हमारे पास दो ही रोज हैं तो दोनों रोज में हमने हमारे पास तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं तो अभी हमने दो रोज में वैल्यू एक रो में वैल्यू डाल दी और एक रो के दोनों कॉलम में वैल्यू डाल दी जीरो रो के दोनों कॉलम्स में ये कॉलम फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम तो जीरो इथ रो के दोनों कॉलम्स में वैल्यू हमने डाल दी अब हम फर्स्ट रो के दोनों कॉलम्स में वैल्यू डालेंगे कॉपी कर लेते हैं पेस्ट यहाँ पे रो फर्स्ट फर्स्ट रो के जीरो कॉलम में हम वैल्यू डाल लेते हैं फोर्टीन फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू हम डाल लेते हैं फिफ्टीन नेक्स्ट है सेकेंड रो सेकेंड रो कॉलम जीरो में हमने वैल्यू डाल लिया सिक्सटीन सेकेंड रो कॉलम वन में हमने वैल्यू डाल लिया सेवेंटीन तो इस तरह से हमने वैल्यूज को इंसर्ट कर लिया सारे रोज और सारे कॉलम में सबसे पहले जीरो एथ रो के दोनों कॉलम में वैल्यू डाला हमने फिर फर्स्ट रो के दोनों कॉलम में वैल्यू डाला हमने फिर सेकेंड रो के दोनों कॉलम्स में हमने वैल्यू डाला अब हम कॉलम के रो और कॉलम के लेंथ को प्रिंट करते हैं उसके साइज को प्रिंट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ रोज के लिए हम क्या करेंगे लेंथ लेंथ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे एरे की length property होती है तो एरे का नाम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी एरे की लेंथ प्रॉपर्टी से हमें नंबर ऑफ रोज मिल जाएगा और कॉलम के लिए क्या करेंगे हम कॉलम के लिए कॉलम के लिए किसी भी किसी भी रो का हम लेंथ प्रॉपर्टी यूज करेंगे या हम जीरो रो ले लें या फर्स्ट रो ले लें ले ले. किसी भी रो का हम लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं तो रो एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का नाम ए और जीरो रो की लेंथ प्रॉपर्टी हम चाहते तो यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते थे सेकंड भी लिख सकते थे किसी भी रो का हम लेंथ प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्योंकि हर रो में सेम ही कॉलम्स है और इसको हम यहां पे हमने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट किया अब हम करेंगे राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन तो ये देखिए हमने थ्री रोज और टू कॉलम लिया था तो यहाँ पे थ्री रो और टू कॉलम यहाँ प्रिंट हो गया ये तो हमने अभी हमने एक मेथड एक नोटेशन यूज करके हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया डिक्लेयर किया इंस्टेंशिएट किया और इंसर्ट किया तो इसमें हमने एक स्टेटमेंट यूज किया डिक्लेयर करने के लिए और इंस्टेंशिएट करने के लिए और हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज किए वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए पर इन सारे काम को हम एक सिंगल लाइन में भी कर सकते थे सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते थे वो दूसरा नोटेशन है अब हम उसको करके देखते हैं टू कॉलम का मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे एरे बनाएंगे उसके लिए इंट मल्टी डायमेंशन एरे के लिए हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया और एरे के रेफरेंस वेरिएबल का नाम इक्वल टू के बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर सारे रोज की वैल्यूज को लिखेंगे जितने भी रोज हमें बनाने हैं उन रोज को हम स्क्वेयर करली ब्रेसेस से सेपरेट करेंगे जितने भी रोज हमें चाहिए मैं आपको फिर से बताती हूँ कि कर्ली ब्रेसेस यूज किया हमने अब करली ब्रेसेस के अंदर हम फर्स्ट रो की वैल्यू डालते हैं फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम हैं अगर हम अभी हमें दो कॉलम हमने इस एग्जाम्पल में बनाया था तो हम दो ही कॉलम अभी भी क्रिएट करते हैं तो ट्वेल्व एंड थर्टीन तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया फर्स्ट रो में दो कॉलम की वैल्यू डाल दी हमने ट्वेल्व एंड थर्टीन अब सेकेंड रो सेकेंड रो में हमने डाला था फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो यहाँ पे फोर्टीन एंड फिफ्टीन फिर ये रो क्लोज फिर कॉमा लगा के थर्ड रो थर्ड रो में पहले वैल्यू थी हमने सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो हम यहां डालेंगे कॉलम वन में सिक्सटीन और कॉलम टू में सेवनटीन और ब्रैकेट क्लोज तो इस तरह से हमने तीन रोज क्रिएट किए ये पहला रो पहले रो में दोनों कॉलम की वैल्यू डाल दी ट्वेल्व एंड थर्टीन फिर ये दूसरा रो कॉमा लगाने के बाद दूसरे रो में भी हमने वैल्यू डाल दी फोर्टीन एंड फिफ्टीन दोनों कॉलम्स की फोर्टीन फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है और फिफ्टीन सेकेंड कॉलम की वैल्यू है फिर ये तीसरा रो तीसरे रो में भी दोनों कॉलम की वैल्यू में डाल दी सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो इस तरह से हम इस नोटेशन को जब हम यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती हम यहाँ पे जितने भी रोज कॉमा लगा लगा के हम जितने भी रोज ऐड करेंगे डायनेमिकली रो का साइज वो अपने आप ही ले लेगा रन टाइम पे और हम जितने भी कॉलम्स यहाँ ऐड करेंगे रो का कॉलम डायनेमिकली अपने आप असाइन हो जाएगा तो इस वाले नोटेशन में हम साइज नहीं देते हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रो और कॉलम की वैल्यूज राइट करते हैं तो दोनों ही नोटेशन सही हैं हम ये नोटेशन में हमें पहले से साइज पता होता है अगर हमें पहले से एरे का साइज पता है तो हम फर्स्ट नोटेशन यूज करते हैं और अगर हमें साइज नहीं पता है एरे का तो हम ये सेकेंड नोटेशन यूज करते हैं तो आइए रन करके देखते हैं इस नोटेशन यूज कर इस नोटेशन का भी हम कॉलम uh, का और रो का लेंथ प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल सही आउटपुट आया थ्री रोज हमने डाले हैं तो थ्री रोज हो गए थ्री और दो कॉलम्स हैं तो वन एंड टू वन एंड टू वन एंड टू दो दो कॉलम्स आ गए तो ये दो दो नोटेशंस हैं एरे को डिक्लेयर इंस्टेंशिएट करने के और वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए अब हम नेक्स्ट वैल्यूज को रीड करते हैं तो वैल्यू को रीड करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। इसमें हम दो फॉर लूप यूज करेंगे पहला फॉर लूप होगा आउटर फॉर लूप जिसमें हम रोज को रीड करेंगे और आउटर फॉर लूप के अंदर हम एक इनर फॉर लूप मेंटेन करेंगे जिसमें हम कॉलम को रीड करेंगे तो आउटर फॉर लूप में हम हर रो को रीड करेंगे और इनर फॉर लूप में हम हर रो के हर कॉलम को रीड करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आउटर फॉर लूप का स्टेटमेंट है फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो क्योंकि रो की इंडेक्सिंग जीरो से होती है तो आई इज इक्वल टू जीरो फिर हम कंडीशन देंगे आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ रो की जितनी भी लेंथ है तब तक हमें आउटर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना है और आई को हमें इंक्रीमेंट करना है हर आइटरेशन में और आउटर फॉर लूप के अंदर का जो कोड होगा एक इनर फॉर लूप होगा उसमें इनर फॉर लूप में हम हर कॉलम को रीड करेंगे तो इंड जे इज इक्वल टू जीरो से होती है तो हमने जे को जीरो से निशलाइज कर लिया और कंडीशन क्या देंगे कॉलम की जब तक पूरे कॉलम के लेंथ तक हमें इनर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना है तो जे इज लेस देन कॉलम का लेंथ हमें ऐसे मिलेगा तो इस स्टेटमेंट से हमें कॉलम का लेंथ मिल जाएगा और हमें इंक्रीमेंट करना है जे को हर आइटरेशन में तो ये हमारा इनर फॉर लूप हो गया सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो होगी मतलब रो की वैल्यू जीरो है तो जब आई की वैल्यू जीरो है तो हमें जीरो रो को रीड करना है तो हम इस रो को रीड करेंगे जीरो रो हमारा ये वाला है इस रो को रीड करेंगे तो इस रो में हमारे पास दो कॉलम्स हैं ट्वेल्व एंड थर्टीन तो इनर फॉल लूप एग्जीक्यूट होगा इनर फॉल लूप में सबसे पहले ट्वेल्व कॉलम का चलेगा कॉलम है हमारा ट्वेल्व जीरो रो के जीरो कॉलम में ट्वेल्व वैल्यू है तो जब आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू भी जीरो है तो हमारा जीरो रो और जीरो कॉलम है तो ए आई और ए ए आई कॉलम एंड जे इज रो इज इक्वल टू इसको हमें प्रिंट करना है तो हम इसे प्रिंट कर लेते हैं तो हमें वैल्यू रीड करना है ए आई एंड जे तो सबसे पहले आई की वैल्यू फर्स्ट आइटेरेशन में आई की वैल्यू जीरो है सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो है फर्स्ट आइटेरेशन में तो आई की वैल्यू जीरो और जे की वैल्यू सॉरी ये आई है एक मिनट गलत कर रही हूं। ये है और ये जे है तो फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू जीरो है जब आई की वैल्यू जीरो इनर फॉर लूप स्टार्ट होगा तो यहां पे इनर फॉर लूप में फर्स्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू भी जीरो है तो यहां पे इस एट्रेशन में a00 प्रिंट होगा तो a00 है 12 तो 12 प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले 12 प्रिंट होगा फिर अभी तो i की वैल्यू जीरो ही है क्योंकि अभी हमारा इनर फॉर लूप ही चल रहा है तो कॉलम के लेंथ तक इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा कॉलम के लेंथ तक इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा फिर j की वैल्यू हो जाएगी 1 और i की वैल्यू रहेगी 0 तो a0 एंड 1 तो a0 एंड 1 में हमें 13 मिलेगा रो कॉलम वन एंड वन का मतलब है रो जीरो एंड कॉलम वन तो हमें यहाँ पे थर्टीन मिलेगी तो थर्टीन प्रिंट हो जाएगा फिर अभी चूंकि दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए हमारे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू टू हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना टू इज लेस देन ए डॉट लेंथ हमने लिखा है टू शुड बी लेस देन ए डॉट लेन तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा और वापस हम इधर आ जाएंगे फिर यहां पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन जब यहां पे जे की वैल्यू टू हो जाएगी जब जे की वैल्यू पहले जे की वैल्यू वन थी फिर जब जे की वैल्यू टू हो जाएगी तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमने कंडीशन दिया है जे इज लेस देन कॉलम का लेंथ और कॉलम का लेंथ है टू तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला फ़ॉर लूप एग्जिट हो जाएगा फॉल लुप एग्जिट होकर फिर आउटर फॉल लुप में आएगा आउटर फॉल लुप में फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के वन हो जाएगी वन हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन चेक होगा आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ येस वन इज लेस देन थ्री रो की जो लेंथ है वो थ्री है ए डॉट लेंथ की वैल्यू है वो थ्री है तो वन इज लेस देन थ्री तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो फिर से ये इनर फॉर लूप में आ जाएगा जब इनर फॉर लूप में आएगा तो हमारे रो की वैल्यू हो जाएगी रो की इंडेक्स हो जाएगी वन तो ए वन एंड जे जीरो जे जीरो में फोर्टीन प्रिंट होगा फोर्टीन प्रिंट होगा फिर ए वन एंड जे वन में फिफ्टीन प्रिंट हो जाएगा फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी क्योंकि जे की वैल्यू वन हो गई उसके बाद जब जे की वैल्यू वन के बाद फिर जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू टू हो जाएगी आफ्टर टू आइटरेशन जब जे की वैल्यू जीरो थी वो फर्स्ट आइटरेशन था फिर जब जे की वैल्यू वन हुई वो सेकंड आइटरेशन था फिर जैसे ही थर्ड आइटरेशन में आएंगे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जे की वैल्यू टू हो जाएगी तो जैसे ही जे की वैल्यू टू हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा फॉर लूप एग्जिट होकर फिर ये आउटर फॉर लूप में आ जाएगा आउटर फॉर लूप में आएगा तो फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के ई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और आई की वैल्यू हो जाएगी टू आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी वो टू हो जाएगी तो फिर से ये वाली कंडीशन चेक होगी ये कंडीशन चेक होगी टू इज लेस देन थ्री जो रो की जो लेंथ है वो थ्री है और आई की वैल्यू टू है टू इज लेस देन थ्री यस तो ये कंडीशन अभी ट्रू है तो फिर से इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा इनर फॉर लूप में अगेन अभी हम रो सेकेंड रो पे हैं हम सेकेंड रो में हैं तो ए टू जे जीरो ए टू जे ज़ीरो पहला आइटरेशन में जे ज़ीरो रहेगा और आई की वैल्यू टू हो गई है तो ए टू एंड जे ज़ीरो तो ए टू जे जे जीरो में सिक्सटीन वैल्यू स्टोर्ड है तो यहाँ पे सिक्सटीन प्रिंट हो जाएगा फिर ए टू जे वन होगा ए टू जे वन में सेवनटीन वैल्यू स्टोर्ड है नेक्स्ट आइट्रेशन में ए टू जे वन हो जाएगा जब हम इस, इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो सेवनटीन प्रिंट होगा तो जैसे ही जे की वैल्यू वन हो जाएगी और आइटरीशन नेक्स्ट रन होगा तो जे की वैल्यू टू हो जाएगी तो जब जे की वैल्यू टू होगी तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इनर फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा फिर से हम आउटर फॉर लूप में आएंगे आउटर फॉर लूप में अगेन आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी जैसे ही आई की वैल्यू थ्री होगी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी बिकॉज थ्री इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ थ्री इज नॉट इक्वल थ्री इज नॉट लेस देन ए डॉट लेंथ तो ये वाला लूप भी हमारा एग्जिट हो जाएगा जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो लूप एग्जिट हो जाएगा और यहां पे लूप एग्जिट हो रहा है जब जे की वैल्यू टू हो रही है जब आई की वैल्यू थ्री हो रही है तो लूप एग्जिट हो रहा है और यहां पे जब जे की वैल्यू टू हो रही है तो लूप एग्जिट हो रहा है तो इस तरीके से हम दो फॉर लूप को यूज करके एक आउटर फॉर लूप और एक इनर फॉर लूप दोनों फॉर लूप को यूज करके हम एरे से वैल्यूज को रीड करते हैं अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन तो ये देखिए जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आया है सबसे पहले ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो ऐसे ही वैल्यूज स्टोर थी हमारे एरे में ऐसे स्टोर थी तो वैसे वैल्यूज को रीड करके हमने प्रिंट कर लिया फॉर लूप यूज करके तो ये तो था फॉर लूप यूज करके अब नेक्स्ट है एनहेंस्ड फॉर लूप यूज करके एरो को रीड करने के लिए हमारे पास एक एनहेंस्ड फॉर लूप होता है जिसे हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं और कई बार इसे हम एडवांस फॉर लूप भी कहते हैं तो हम अभी के लिए इसे प्रिंट कर देते हैं इस हमारे नॉर्मल फॉर लूप को और यहाँ पे हम एनहेंस्ड फॉर लूप यूज करके हम एरे से वैल्यूज को रीड करेंगे अब में भी हमें दो फॉर लूप यूज करना है तो सबसे पहला होगा आउटर फॉर लूप। इसमें हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे किस एरे से हमें वैल्यू को रीड करना है तो एरे का नाम है ए रेफरेंस वेरिएबल है हमारा ए तो इसमें हम सबसे पहले रो को रीड करेंगे तो जो सबसे पहला रो है सबसे पहला रो हमारा ये वाला है तो पहले रो में हमारे पास दो वैल्यूज हैं ट्वेल्व एंड थर्टीन हमारे तो पास मोर देन वन वैल्यू है मल्टीपल वैल्यू है तो जब मल्टीपल वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को हम कैसे स्टोर करते हैं एरे यूज करके स्टोर करते हैं तो ट्वेल्व और थर्टीन को स्टोर करने के लिए हम एरे यूज करेंगे एक इंटीजर टाइप का एरे यूज करेंगे क्योंकि ट्वेल्व और थर्टीन ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं तो हम ए से वैल्यू को ए एरे से वैल्यू के रो को ए, ए से हम रो को रीड करके एरे ए है हमारा इस एरे से हम रो को रीड करके एक इंटीजर में स्टोर कर लेंगे रो नाम का हमने एक इंटीजर एरे क्रिएट किया और हम ए से जब भी रो को रीड करेंगे फर्स्ट टाइम हम ट्वेल्व और थर्टीन को रीड रीड करेंगे और ट्वेल्व और थर्टीन को हम इस रो नाम के हमने एक रो नाम का एरे क्रिएट किया जो इंटीजर टाइप का है हमने इसमें स्टोर कर लिया ये हमारा आउटर फॉर लूप है अब इस एरे से ये जो रो एरे हमने बनाया है अब हमें इस एरे में से वैल्यू को रीड करके प्रिंट करना है तो हम एरे से फॉर ईच लूप यूज करके हम वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं फॉर यहां पे एरे का नाम और जो भी हमें इस रो में स्टोर्ड है ट्वेल्व और थर्टीन स्टोर है उसको हम एक इंटीजर टाइप कॉलम वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया कॉलम वैल्यू लिख देते हैं कॉलम वैल्यू में हमने स्टोर कर लिया और हम इसको यहाँ प्रिंट करेंगे तो क्या होगा अभी क्या होगा सबसे पहले सबसे पहले हमारा ये वाला रो रीड होगा सबसे पहले ये वाला रो रीड होगा ट्वेल्व एंड थर्टीन सबसे पहले ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और रीड हो जाएगा ट्वेल्व एंड यहाँ रीड होगा ट्वेल्व एंड थर्टीन ये रो रीड हो जाएगा ये रो रीड होके ये ट्वेल्व और थर्टीन जो वैल्यू है वो रो में स्टोर हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी ट्वेल्व एंड थर्टीन और यहाँ पे हम हर रो में हमारे पास ट्वेल्व एंड थर्टीन है तो हम फर्स्ट आइटरेशन में ट्वेल्व को रीड करेंगे रीड करके कॉल वैल्यू में कॉल वैल्यू में हम स्टोर कर लेंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे फिर सेकेंड आइटरेशन में हम थर्टीन को रीड करेंगे थर्टीन को रीड करेंगे और कॉल वैल्यू वेरिएबल में हम स्टोर करके फिर कॉल वैल्यू वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे थर्टीन के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ये फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा और हम आउटर फॉर लूप पे आ जाएंगे फिर हम आउटर फॉर लूप पे आएंगे तो फिर से हम रो को रीड करेंगे जब हम रो को रीड करेंगे तो ये वाला रो तो हम रीड कर चुके हैं फिर हम नेक्स्ट रो को रीड करेंगे तो हम ये वाला रो रीड कर लेंगे फिर से इस रो को रीड करके हम रो एरे में रो एरे में हम स्टोर कर लेंगे सेकेंड हाइट्रेशन में तो अभी रो एरे में हमारे पास वैल्यू है फोर्टीन एंड फिफ्टीन सेकेंड हाइट्रेशन में रो में हमारे पास फोर्टीन एंड फिफ्टीन वैल्यू है फिर ये वाला इनर फॉर लूप शुरू होगा इसमें फिर हम एक एक करके पहले फोर्टीन को रीड करेंगे कॉल वैल्यू में हम स्टोर कर लेंगे फोर्टीन को और हम उसको प्रिंट कर लेंगे फिर फिफ्टीन को रीड करेंगे कॉल वैल्यू में स्टोर कर लेंगे फिफ्टीन को और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे फिर फिफ्टीन के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ये वाला फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा फिफ्टीन के बाद फिर हमारा आउटर फॉर लूप एग्जा स्टार्ट होगा फिर आउटर फॉर लूप में हम नेक्स्ट रो को रीड करेंगे तो इस रो को हम रीड कर चुके हैं इस रो को भी रीड कर चुके हैं अब हमें इस रो को रीड करना है तो ये वाला सिक्सटीन एंड सेवनटीन ये वाला रो रीड होगा ये रो रीड हो करके एरे में स्टोर हो जाएगा इस रो एरे में स्टोर हो जाएगा अभी रो एरे में सिक्सटीन एंड सेवनटीन वैल्यू स्टोर है अब हमारा इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो इनर फॉर लूप में हम क्या करेंगे इस में रो में वैल्यू है हमारे पास सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो इनर फॉर लूप के फर्स्ट आइटरेशन में हम सिक्सटीन को रीड करेंगे रीड करके सिक्सटीन को रीड करके हम कॉल वैल्यू में स्टोर कर लेंगे फिर उसको हम प्रिंट कर लेंगे फिर इनर फॉर लूप का नेक्स्ट आइटरेशन शुरू होगा जिसमें हम सेवनटीन को रीड करेंगे सेवनटीन को रीड करके हम कॉल वैल्यू में स्टोर करेंगे उसको प्रिंट कर लेंगे सेवनटीन के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो इनर फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा फिर आउटर फॉर लूप में आएंगे आउटर फॉर लूप में आने के बाद फिर हम जाएंगे चेक करेंगे कि कोई रो है क्या रीड करने के लिए यहाँ पे सारे रोज हम रीड कर चुके हैं कोई भी रो नहीं है तो आउटर फॉर लूप भी एग्जिट हो जाएगा तो इस तरह से हम एनहेंस्ड फॉर लूप यूज करके एरे से वैल्यूज़ को रीड करते हैं इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं देना होता कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कोई इंक्रीमेंट कोई कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन नहीं देना होता इसमें हम सिर्फ इनिशलाइजेशन करते हैं बस दैट्स इट और जितने भी एरे में जितने भी वैल्यूज हैं उसको वो अपने आप रीड करता रहता है जब तक वैल्यूज होंगी तब तक दोनों फॉर लूप चलते रहेंगे जब तक रोज होगा आउटर फॉर लूप चलता रहेगा और जब तक कॉलम होंगे इनर फॉर लूप चलता रहेगा तो आइए से एक बार हम राइट right क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन तो ये देखिए सारे वैल्यूज जैसे हमने आउटर जैसे हमने नॉर्मल फॉर लूप यूज करके प्रिंट किया था ठीक उसी तरह से एनहेंस फॉर लूप यूज करके भी हमने वैल्यू को प्रिंट किया आउटपुट दोनों का सेम है पर एनहेंस फॉर लूप यूज करना काफी इजी है इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं यूज करना होता और कुछ एक्सप्रेशन को इंक्रीमेंट नहीं करना होता काफी इजी तरीके से एनहेंस फॉर लूप यूज करके हम एरे को एक्सेस कर लेते हैं उसकी वैल्यूज को रीड कर लेते हैं अभी हम अगर इसमें कोई एक नया रो और ऐड कर दें तो हमें फॉर लूप में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना अभी मैंने एक और रो ऐड कर दिया मान लीजिए थर्टी फोर और ट्वेंटी वन डाल दी वैल्यू उसने कॉलम की वैल्यू कॉलम जीरो में थर्टी फोर डाल दिया और नेक्स्ट कॉलम में ट्वेंटी वन डाल दिया तो हमें इस फॉर लूप में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है बस हम राइट right क्लिक करके रन कर देंगे और वो जो वैल्यू अभी हमने ऐड की थी वो भी यहाँ पर प्रिंट हो गई अगर हमने ये वाला फॉर लूप यूज़ किया होता तो हमारे अगर हमने जैसे नया यहाँ पे रो ऐड किया था तो यहाँ पे हमें इन सारे कंडीशंस को चेंज करना पड़ता यहाँ पे जो हमने कंडीशन चेंज की थी रो के लेंथ की हमें ये चेंज करनी पड़ती पर एनहैंस्ड फॉर लूप में हमें कुछ नहीं करना पड़ा सिर्फ हमने नया वैल्यू ऐड कर दिया मान लीजिए अगर हमें इसमें किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना हो सपोज कीजिए यहाँ पे हमें फोर्टीन की जगह हमें यहाँ पे ट्वेंटी फाइव लिखना हो हमें यहाँ पे फोर्टीन को रिप्लेस करना हो ट्वेंटी फाइव से तो वो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे ए और इस फोर्टीन की लोकेशन देखेंगे इसके इंडेक्स क्या है तो ये हमारा है रो वन एंड कॉलम जीरो पे ये हमारा फर्स्ट रो था जो जीरो इंडेक्स पे था तो फर्स्ट रो की इंडेक्स जीरो है और ये हमारा सेकेंड रो है जो फर्स्ट इंडेक्स पे है तो रो हो जाएगा हमारा वन और कॉलम फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉलम की इंडेक्स होती है जीरो तो हम यहां देंगे जीरो Equal to, हमें जो भी करना करना है 25 है तो तो कर देंगे। तो इस एलिमेंट की की हो हो करके 25 हो जाएगी। और ये देखते हैं पे जगह ट्वेंटी फाइव हो गया तो इस तरीके से हम एलिमेंट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं उसके रो और कॉलम के इंडेक्स को यूज करके तो आज के सेशन में हमने मल्टी डायमेंशन एरे डिस्कस किया उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं कैसे इनिशलाइज़ करते हैं कैसे वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं कैसे उसे उसमें हम वैल्यूज़ कैसे उससे हम वैल्यूज़ को रीड करते हैं क्लासिकल फॉर लूप यूज़ करके और एनहैंस्ड फॉर लूप यूज़ करके तो आज के सेशन में बस इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग